डायबिटीज में कुछ ड्रिंक्स कारगर हो सकती हैं। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उन्हें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा रहता है। ऐसे में वजन घटाने के लिए चाय का सेवन काफ़ी असरदार हो सकता है। लेकिन किस चीज़ की चाय का सेवन सबसे बेहतर है यह जानना ज़रूरी है। डायबिटीज़ रोगियों के लिए चाय का सेवन किसी रामबाण से कम नहीं है, किंतु अगर चाय आंवले की हो। आंवले की चाय के कई फायदे हैं। आंवला डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले डायबिटीज़ तत्व और ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकने में इसमें पाए जाने वाले तत्व डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकने में मददगार माने जाते हैं। आंवला को सुपर फूड भी माना जाता है। इतना ही नहीं, आंवला में फाइबर की भी भरपूर मात्रा होती है, जो रक्त प्रवाह में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करने में सहायता करता है। वहीं आंवले में पाए जाने वाला क्रोमियम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। डायबिटीज़ रोगियों को आंवला की चाय का सेवन ज़रूर करना चाहिए। वजन घटाने में है मददगार आंवला। एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स, विटामिन सी से भरपूर आंवला शरीर में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स को निकालने में मदद कर सकता है। वेट लॉस और फैट बर्न करने के लिए आपको कम कैलोरी का सेवन करना चाहिए, या फिर जितनी कैलोरी का आप सेवन कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करना चाहिए। आंवला इस मामले में एक जादुई इंग्रेडिएंट है, जिसमें कैलोरी बेहद कम होती हैं और यह वेट लॉस में मदद कर सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आंवला की चाय का रोज़ाना सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यह चाय न केवल आपको कोरोना वायरस से बचाएगा, बल्कि बैक्टीरिया और वायरल बीमारियों से भी बचाने में मददगार है। बॉडी को करेगा डिटॉक्स। आंवला की चाय का सेवन बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद कर सकता है। इस चाय के सेवन से शरीर में मौजूद समस्त विषैले टॉक्सिन बाहर आ जाते हैं, जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है। इससे आप गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इस चाय का सेवन करने से पाचन तंत्र की समस्याएं दूर हो सकती हैं। आंवला की चाय बनाने की विधि। आंवले की चाय बनाने के लिए एक पैन में 2 कप पानी डालकर गैस पर चढ़ा दें। जब पानी में उबाल आने लगे तो इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर और थोड़ा सा अदरक डाल दें। इसके अलावा पुदीने की 2 से 3 ताजी पत्तियां भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को 2 मिनट तक उबलने के बाद गैस से उतार लें। अब छान कर इसका सेवन करें।